हेलो फ्रेंड, दिस इज रवि परमार, एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IRDAI, जिन्हें बोला जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई थी कि COVID-19 को लेके जो नई एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो रिलीज की गई है, और जिसे नाम दिया गया है कोरोना कवच। तो ये कोरोना कवच प्रोडक्ट क्या है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्रेस रिलीज हुई है उसी का जो PDF है उसके बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो ये एक इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों प्लान रहेगी, और ये कोरोना के लिए ही ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये रहेगी। इसमें आप 50,000 से लेके 5,00,000 की सम एश्योर तक आप इंश्योरेंस ले सकते हो। 15 days का इसके अंदर वेटिंग पीरियड रहेगा, देन 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने, तो 3 terms दी गई है। तो 3 terms के लिए आप अपना टाइम फ्रेम या पॉलिसी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें आपकी एज 18 से 65 साल की होनी चाहिए, और आपके फैमिली के लिए भी ये बेनिफिट ले सकते हो। और उसमें आप अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स इन लॉ को, या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो भी है जिनकी एज 25 years तक है, तो उनको भी आप ये पॉलिसी में कवर कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट भी मिलेगा, और वो होगा आपकी जो भी सम एश्योर्ड होगी उसका 0.5% आपको हॉस्पिटल कैश भी मिलेगा। और ये सिंगल प्रीमियम है, वन टाइम प्रीमियम पे करना है आपको। 30 जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके नाम भी दिए गए हैं, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज के नाम है। तो ये सारी कंपनियाँ ये जो भी प्रोडक्ट है कोरोना कवच जिसे नाम दिया गया है ये प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट को बेच सकती है। तो ये सारी कंपनीज में से 2 companies का कंपेरिजन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली जो कंपनी है वो है कोरोना कवच पॉलिसी, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसके बारे में क्या बोलती है, तो COVID-19 के लिए ये प्रोडक्ट है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसमें जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड के ऑप्शन क्या है, 50,000 से लेके 5,00,000 तक को आपको उसमें अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। देन व्हाट इज़ द एंट्री एज, तो इसके अंदर एंट्री एज क्या है वो भी हमने डिस्कस कर ली कि IRDAI की जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक 18 से 65 साल तक का आप अवेल कर सकते हो, और आपके साथ आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो 25 साल तक की उनकी एज होगी, तो आप इसमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। पॉलिसी की पीरियड 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने रहेगा। फ्लोटर पॉलिसी इसमें भी अवेलेबल है, फ्लोटर पॉलिसी एंड इंडिविजुअल पॉलिसी दोनों अवेलेबल है। देन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर इसमें बात करें तो इसका जो बेस कवर है बजाज एलियंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो उसका जो बेस कवर है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है, तो एक तो कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, तो मींस कोविड के लिए जो भी हॉस्पिटलाइजेशन लेके जो भी खर्च होंगे वो उसमें कवर होंगे, जिसमें आप समझ लीजिए कोई डायग्नोस्टिक वगैरह के लेके खर्च जो होंगे वो भी कवर होंगे। साथ ही साथ रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। देन ICU, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट का अगर एक्सपेंस है तो वो भी कवर होगा, और इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट ICU का एक्सपेंस होगा तो वो भी इसमें कवर होगा। साथ ही साथ सर्जन को लेके, एनेस्थिस्ट को लेके, मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेके, कंसल्टेंट को लेके, स्पेशलिस्ट, इन सारे जो भी हैं इंडिविजुअल, इनकी जो फीस वगैरह रहेगी तो वो फीस भी इसके अंदर कवर की जा रही है। देन कुछ और भी एक्सपेंसेस है जो इसके अंदर कवर होते हैं, बेसिकली हम बात करें तो उसमें PPE किट, ग्लव्स, मींस कंज्यूमेबल भी इसमें कवर हो गया है। जो कंज्यूमेबल ज़्यादातर COVID-19 की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें यूज़ होते हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब भी आप कोरोना की ट्रीटमेंट लेने जाओगे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा। तो अगर ये पॉलिसी आपने ले के रखी है तो वो जो भी एक्सपेंसिस होगा वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये जो प्लान है पूरा वो COVID-19 को लेके ही बना गया है। 2000 तक आपका एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी इसके अंदर कवर हो गया है, और हॉस्पिटलाइजेशन आप 24 घंटे से ज़्यादा होने चाहिए तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होता है वो तो कवर हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप घर पर रह के भी ट्रीटमेंट लेते हो, COVID-19 में आपको मालूम है कि काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, तो हॉस्पिटल भी प्रीफर करती है कि अगर घर पे आपको
रखा जाए और घर पे ही आपको ट्रीटमेंट दी जाए, तो क्या वो जो एक्सपेंसेस होगा वो ये इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा? तो यस, ये जो एक्सपेंसेस होगा, होम ट्रीटमेंट जिसे बोला जाता है, होम केयर ट्रीटमेंट, तो वो एक्सपेंसेस भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। और दोस्तों ये आपको घर पे रखा जाता है, अदरवाइज जो हॉस्पिटल में जो मीन्स आपकी ट्रीटमेंट होती है वैसे ही ट्रीटमेंट होती है। हो सकता है आपके लिए एक दो नर्सेस वगैरह भी अपॉइंट की जाए जो हर रोज आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है हेल्थ की वो भी देखती रहती है। तो अगर आप होम केयर ट्रीटमेंट लोगे तो भी वो 14 दिन तक, इसमें 14 दिन का जो भी एक्सपेंसेस होगा होम केयर ट्रीटमेंट का, वो भी इसके अंदर कवर होता है। और काफ़ी कुछ चीज़ें आप पोस्ट करके भी देख सकते हो कौन कौन से कॉस्ट इसमें कवर हो जाती है। देन आयुष ट्रीटमेंट अगर लेते हो, कई लोग प्रीफर करते हैं आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी, कई लोग प्रीफर करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ये इस तरह के ट्रीटमेंट लेगो तो इस तरह के ट्रीटमेंट लोगे तो भी ये पॉलिसी में ये कवर हो जाएगा। देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस अगर होगे, हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज हुए उससे पहले 15 दिन पहले जो भी खर्च हुआ होगा वो स्पेसिफिक डिसीज़, यहाँ पे COVID-19 को लेके अगर खर्च हुआ है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है 30 डेज। दोस्तों अगर हॉस्पिटल केस की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आप हॉस्पिटल में रहोगे तो पर डे आपको आपकी जो भी सम एश्योर्ड होगी उसका 0.5% पर डे दिया जाएगा। 15 दिन तक ही ये बेनिफिट अवेल कर सकते हो, 15 दिन से अगर ज़्यादा होंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर प्रीमियम की बात करें तो 9.5 महीने के लिए अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड, समझ लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड आप चूज करते हो तो 5 लाख पे आपको कितना प्रीमियम देना है? तो अगर आपकी एज 36 से 45 की एज के बीच में है तो आपको 2770 रुपये आपको प्रीमियम पे करना है, एक्सक्लूसिव GST, मीन्स इसमें GST नहीं रहेगा, GST अलग से जोड़ा जाएगा। और उसी के साथ अगर आप हॉस्पिटल डेली कैश का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल कैश के लिए अलग से प्रीमियम के पे करना पड़ेगा, और वो प्रीमियम रहेगा 36 से 45 ईयर्स की एज के लिए 370 रुपये। तो समझ लीजिए कि बेस कवर 2770 का पड़ेगा आपको, और हॉस्पिटल कैश भी इसमें ऑप्शनल लेते हो आप तो 370 रुपये आपको पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ के आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 3200 रुपये में 9.5 महीने के टर्म के लिए मिल सकती है। ओके, तो ये रही 5 लाख के सम एश्योर्ड को लेके हमने बात की। अगर आप चाहो तो दूसरे भी ऑप्शन आप पोस्ट करके देख सकते हो। देन इसमें 6.5 महीने और 3.5 महीने के लिए भी दिया गया, और साथ ही बोला गया है कि अगर कोई हेल्थ वर्कर होगा और हेल्थ वर्कर ये पॉलिसी अवेल करेगा तो उसको 5% डिस्काउंट मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फैमिली फ्लोटर में जाना चाहते हो तो हर एक नए व्यक्ति के लिए आपको 5% कम करके चलना है, जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी की जो प्राइस है प्रीमियम की उसमें से 5% घटा के चलना है तो उतनी आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। दोस्तों अगर फ्यूचर जनरली की बात करें तो फ्यूचर जनरली का जो इंश्योरेंस प्लान है उसमें आपकी प्रीमियम कितनी रहेगी? 9.5 महीने की बात करें तो फ्यूचर जनरली में आपको 5 लाख के लिए प्रीमियम देनी पड़ेगी 839, और एज क्राइटेरिया है हमारा 35 से 45 तक का, जो क्राइटेरिया था हमने बजाज एलियंस में लिया था वही है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम बेस प्लान के लिए 839 मीन्स 839 पे करना है। और अगर हॉस्पिटल कैश की बात करें तो सिंपली आपको 3% जोड़ देना है। ओके, तो जो भी 839 आपका जो प्रीमियम होता है उसके अंदर आपको 3% ऐड कर देने हैं तो वो आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट भी मिल जाएगा। और हॉस्पिटल कैश कितनी मिलेगी आपको? हॉस्पिटल कैश मिलेगी 0.5% ऑफ योर सम एश्योर्ड। तो दोस्तों दोनों की बात करें अगर बजाज एलियंस की और फ्यूचर जनरली की, तो दोनों एक तरह से एक बढ़िया कंपनी है जो मार्केट में अच्छी प्रोडक्ट देती है, अच्छी सर्विस देती है। लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के साथ हम देखेंगे तो हमें फ्यूचर जनरली काफ़ी सस्ते में आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ सर्विसेज या क्लेम सेटलमेंट रेशियो को लेके हर एक कंपनी जो होती है वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्लेयर करती है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छी सर्विसेज वगैरह बजाज एलियंस देती हो, ऐसा भी हो सकता है, और फ्यूचर जनरली कुछ सर्विसेज है वो कम हो सकती है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि फ्यूचर जनरली मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को
अच्छे से मीन्स कम प्राइस में लॉन्च करना चाहती है, ये भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, अदरवाइज ये दोनों कंपनी है, ये अच्छे बेनिफिट देती है और जो कॉमन से बेनिफिट है उसके बारे में हमने बात की है। तो दोस्तों COVID-19 को लेके अगर आप भी आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो कोरोना कवच आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है और 30 इंश्योरेंस कंपनी है ये प्रोडक्ट को अवेल करवाती है। तो अगर आप भी ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट रखते हो तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब